आप सबका अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्न की बात करने जा रहे हैं। वो प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल किन आधारों पर ऋग वैदिक काल से भिन्न था। बेहतर प्रश्न है, यदि आप चाहेंगे तो बेहतर प्रयास इस पर कर सकते हैं। और अभी तक 7 से 8 छात्रों की कॉपियां मैंने देखी हैं, उनके द्वारा बेहतर लिखा गया है, जो आप टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करते हो। बेहतर प्रयास इस प्रश्न के लिए किया गया है। और इस प्रश्न को ही नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी 3 से 4 प्रश्नों को आपने हल किया, वैदिक सभ्यता से संबंधित जो भी 1 से 2 प्रश्नों को आपने हल किया, बेहतर प्रयास आप सब ने किया है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है कि यही निरंतरता बनी रहे, तो चीजें आपकी बेहतर होती जाएंगी और कहीं भी आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने प्रश्न की। आज इस प्रश्न से संबंधित कुछ मैं पॉइंट बताऊंगा और आपको क्या करना है कि इन्हीं पॉइंट पे आपको अपने उत्तर को लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं तुलना के बारे में। तो सबसे पहले प्रस्तावना में आप बता दोगे, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बाद जो दूसरी सभ्यता विकसित हुई, जो दूसरी सभ्यता का विकास हुआ, उसको आप वैदिक सभ्यता, वैदिक काल के नाम से आप जानते हैं। तो ये प्रस्तावना में 1 से 2 लाइन आप लिख सकते हो। इसके बाद मुख्य भाग में आपको तुलना करना है। तो मुख्य भाग में या तो आप अलग अलग इस तरह से कॉलम में बना सकते हो। दूसरा क्या तरीका है, पहले आप ऋग वैदिक काल के बारे में बता दो, फिर दूसरी हेडिंग डाल के दूसरे भाग में अपने उत्तर के उत्तर वैदिक काल के बारे में बता दीजिए। तो कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, लेकिन जब आएगी बात 50 शब्दों की लिखने की, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से लिखना होगा, क्योंकि सिर्फ आपको पॉइंट बताने होंगे वहां पे। यदि आप लिखने बैठोगे तो जो सीमा है, शब्द सीमा, वो क्रॉस हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से आपको करना था, क्योंकि कुछ लोगों ने बेहतर प्रयास किया है। सबसे पहली बात, जब तुलना करनी है तो दोनों के समय काल को आप बता सकते हो कि ऋग वैदिक काल का समय काल क्या था और यहाँ पे उत्तर वैदिक काल का समय काल क्या था। तो इसमें 1500 से 1000 BC और यहाँ पे 1000 से 600 BC आप बता सकते हो। इसके बाद आप बताओगे ऋग वैदिक काल में, यदि आप पैरा वाइज लिखते हो तो समय काल बताने के बाद आप बताओगे कि यहाँ पे यह अर्ध यायावरी समाज था, जो केवल पशुपालन करता था और ये सप्त सैंधो प्रदेश में निवास करते थे। इस समय काल में राजा की भूमिका जो है एक प्रकार से सीमित तो होती थी, केवल युद्ध के समय में ही राजा की भूमिका को प्रबल माना जाता था। महिलाओं की स्थिति इस समय काल में बहुत ही बेहतर थी, महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। और वर्ण विभाजन की यदि हम बात करें ऋग वैदिक काल में, तो वर्ण विभाजन जो था वो कार्य आधारित देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस समय काल में जो घर का मुखिया होता था वो उतना शक्तिशाली नहीं था, जिस तरह से उत्तर वैदिक काल में घर के मुखिया को शक्ति मिली हुई थी। भक्त के माध्यम की बात करें तो इस समय जो भक्ति का माध्यम था वो सिर्फ पूजा और अर्चना तक ही सीमित था। इसके बाद यदि आप अगले पैरा में उत्तर वैदिक काल के बारे में लिखते हैं, तो सबसे पहले आप समय बता दीजिए, समय काल बता दीजिए उत्तर वैदिक काल का। समय काल बताने के बाद आप बताओगे कि सबसे पहली बात क्या इसमें है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया। लोहे का प्रयोग प्रारंभ होने से क्या हुआ, लोहे का प्रयोग प्रारंभ होने से लोगों ने जंगलों को काटकर कृषि भूमि तैयार की, और जब कृषि भूमि तैयार की तो यहीं से लोगों के जीवन में अस्थायित्व आया, लोग अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। और इनके निवास स्थान की बात करें तो इनका निवास स्थान जो था ये प्रारंभ में गंगा दोआब का जो क्षेत्र है वहां पे विस्तारित था। इस समय जो राजा होता था वो बहुत ही शक्तिशाली था। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो यहाँ पे महिलाओं की स्थिति खराब हो गई थी और उनको पुरुषों के अधीन कर दिया गया था। वर्ण व्यवस्था अब कर्म आधारित ना होकर जाति आधारित हो गई थी और मुखिया जो है यहाँ पे शक्तिशाली हो गया था और अन्य परिवार के अन्य सदस्यों को किसी को भी वो बाहर कर सकता था। भक्त के माध्यम की बात करें तो यहाँ पे भक्ति का माध्यम यज्ञ और कर्मकांड हो गए थे। पहले क्या थे, पूजा और अर्चना। इन आधारों पर, इन बिंदुओं पर आप अपने उत्तर को मैक्सिमम 200 शब्दों तक लिख सकते हो और आप सबने बेहतर प्रयास किया। हो सकता है मेरे से कुछ बिंदु छोटे हों तो आपके उत्तर में हो सकता है वो देखने को मिल जाए, ठीक है। यदि कुछ और याद आता है तो यहाँ पे आप चीजों को जोड़कर लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्नों का आपने अध्ययन किया है, लिखा है, और सिंधु घाटी सभ्यता में अब किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। दूसरी बात आते हैं, आज हमारा वैदिक काल खत्म हो गया। एक और प्रश्न आज का यदि आप हल करोगे तो आज हमारा ये दूसरा टॉपिक जो है ये भी हमारा समाप्त होता है। फिर तीसरे टॉपिक पर हम आगे बढ़ेंगे, जो या तो
बौद्ध धर्म से संबंधित होगा या तो जैन धर्म से संबंधित होगा, उसके बाद हम गुप्त काल में आगे बढ़ेंगे। तो क्रमबद्ध तरीकों से यदि हम चीजों को इकाई यूनिट वाइज देखते चलेंगे तो आपको भी विश्वास जगेगा आपके अंदर और आप भी चीजों को बेहतर ढंग से कर पाओगे, स्पष्ट कर पाओगे, एक्सप्रेस कर पाओगे। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। आपको क्या करना है कि इन्हीं बिंदुओं पर आपको 200 शब्दों का उत्तर लिखना है। आज मैंने जो आपको मॉडल प्रस्तुत किया है ये 50 शब्दों का जो उत्तर होता है उसमें आप इस मॉडल के बारे में लिख सकते हैं, इस तरीके से आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। इसी तरह से आप सब निरंतरता जारी रखें, निश्चित रूप से आपको 100% परिणाम देखने को मिलेगा। धन्यवाद।